नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के वैकेंसी के पीछे बवाल मचा हुआ है। क्यों बवाल मचा हुआ है? और सबसे बड़ी बात है, तमाम इतने बड़े बड़े चैनल वाले, यूट्यूब वाले, जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात बच्चों को बहकावे का प्रयास कर रहे हैं। उनके बहकाने से क्या फायदा उनका है, क्या नुकसान आपका है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और क्या सबसे सच्चाई है, क्या वाकई में वैकेंसी आने वाली है तो कब तक आने वाली है और कितने पद आने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं इस बहुत बेहतरीन सेशन का। क्या बकैती है ये एससी आरओ यारो? बिल्कुल आपने थंबनेल पढ़ा होगा और बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। कोई बता रहा है 411 पद, फिर कोई बता रहा है 942 पद, कोई बोला 1303 पद नया आ रहा है, फिर कोई बोल रहा है कि 1400-1500 पद आ रहे हैं। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई और वैकेंसी बची ही नहीं, केवल और केवल आरओ एआरओ की ही वैकेंसी आएगी और वो भी अलाहाबाद हाईकोर्ट से इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है। क्या इस बात में सच्चाई है? और अगर लोग बहका रहे हैं बच्चों को, लोग अगर गलत बता रहे हैं तो किस बिहाफ पे गलत जानकारी दे रहे हैं? और वो भी एक नहीं, देखा जाए तो अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के बारे में समग्र जानकारी ऐसे लोग गलत दिए हैं जिनके बारे में शायद मैं बोलूं तो मुझे भी शर्मिंदगी यहां पे होगी। आते एक एक चीज बोलते हैं कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। सारा बवाल कर रहा है कि ये लेटर, एक लेटर है जो 19-3 का है, हालांकि इस लेटर में कितनी सच्चाई है ये मौके पे पता लग जाएगा, बट अभी मान के चलो कि इस लेटर में कोई कमी नहीं है, इस लेटर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर यहां पे देखें, साइन भी देखें, डेट भी देखें, हर चीज देखें, तो सब कुछ यहां पे ठीक लग रहा है। बट इसमें लिखा क्या है उस चीज को मैं सबसे पहले बता दूं। ये जो आप लोग को बताया जा रहा है कि आरओ यारो की वैकेंसी 1303 पद आ रहे हैं और कोई बता रहा है कि आरओ यारो के 411 पद आ रहे हैं टोटल मिला के, यहां पे दिखा दूं मैं आपको। ये अगर आप देखेंगे, ये हालांकि बहुत पहले मैंने आपको इस पे वीडियो बनाया था 1/7/2023 का, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये दिया हुआ था कि कितने सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं और कितने वर्किंग स्ट्रेंथ हैं, कितनी वैकेंसी है, जिसमें रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 311 और 100 मिला के 411 थी। लेकिन क्या ये 411 पद जो वैकेंट हैं ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आपके आ जाएंगे? या फिर अगर बात किया जाए, या हम अगर ये वाले लेटर की बात करें तो जो इसमें दिखाई दे रहा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 234 और 708, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों लगभग आपके 942, ये जो आपके 942 पद हो रहे हैं क्या ये आ रहे हैं? और अगर 942 यहां पे है, 942 अगर यहां पे है और 411 यहां पे है, तो दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये 3 हो गया, 4 5 हो गया और ये 9 4 13 हो गया। मतलब कि आपके 1353 1350 पद खाली हैं। तो कोई इसी को 1400 कोई बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है, कोई 1600 बता रहा है, मतलब जिसके जो मुंह में आ रहा है वो अपने मन से उतनी वैकेंसी निकाल दे रहा है। अलाहाबाद हाईकोर्ट बैठ के आराम से केवल मुंह देख रहा है सबका कि भाई यहां के तो यूट्यूबर्स हैं, चैनल वाले, वो अपने मन से वैकेंसी निकाल, कुछ लोग अपने कोर्स के पीछे लगे हुए। तो मैं सबसे पहली बात बोलूंगा कि भाई आप लोग इतने दूध पीते बच्चे नहीं हो, हकीकत क्या है इस चीज को पढ़ो। ये लेटर शायद आप लोग को एक्सेस नहीं होगा, मेरे पास जहां से भी आया मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, बट इस चीज के बारे में आपको मैं क्लियरली एक एक चीज बताने का प्रयास करता हूं कि है क्या इसमें। अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो ये लिखा गया है लेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉई एसोसिएशन को लिखा गया है। और कौन लिखा है? रिगार्डिंग किसके लिए लिखा गया? रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ 1303 पोस्ट इन जनरल ऑफिस कैडर, मतलब कि कुछ नए पद को सृजित करना था, उसके बारे में लिखा गया है। और अगर आप यहां पे इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो ये लिखा गया है विद रेफरेंस टू माय प्रीवियस रिक्वेस्ट डेटेड 12/10/2023 को, 31/10/2023 को और 17/11/2023 को इस पद के बारे में इससे पहले भी चर्चा की गई थी। ये पद, ये लेटर क्या था, इस लेटर में 1303 नए पद का सृजन होना था। वो नए पद कौन से थे? कंप्यूटर असिस्टेंट के लगभग 30 पद थे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लगभग 234 पद थे, रिव्यू ऑफिसर की बात किया जाए तो रिव्यू ऑफिसर के यहां पे देखा जाए तो 708 सबसे ज्यादा पद इसी के थे, सेक्शन ऑफिसर के देखा जाए तो 189 पद थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 68 पद थे, डिप्टी रजिस्ट्रार की बात किया जाए बेटा 37 पद थे, ऐसे ज्वाइंट रजिस्ट्रार की बात किया जाए 26 पद थे और रजिस्ट्रार की बात किया जाए तो 11 पद थे। मतलब टोटल 1303 पद क्या क्या होना था, सृजन होना था। अच्छा, ये सृजन होने के लिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने इससे पहले ये लेटर सारे फॉरवर्ड भी कर दिए थे, इसका सारा काम हो गया था। इसका काम कहां पे अटका था, वो ये बोला गया था यहां पे, अगर आप देखो, फॉर फाइनेंशियल अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल गवर्नर टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस। ये किसके लिए कि भाई इसका फाइनेंशियल अप्रूवल, क्योंकि अगर नए पद सृजन होंगे तो भाई उनकी सालों साल की सैलरी सबसे बड़ी बात है, भी मैं सैलरी पे भी चर्चा करूंगा। लोग तो 90,000 1,00,000 सैलरी
सैलरी दिलवा रहे हैं उसको भी मैं आके बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो इतने पद आपके 1303 पद सृजन होंगे, इसमें कुछ लेवल 8 के भी हैं, कुछ उसके ऊपर के भी जॉब हैं, और यहाँ पे अगर इतने अगर वैकेंसी जाती है तो इतने अगर हम सैलरी की बात करें तो ये आने वाले 30 साल 35 साल में कितना ज्यादा लोड होगा उसकी बात की जाए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका सैंक्शन करवाना था, उसे पास करवाना था कि भाई क्या आप इसके लिए राजी हो, क्या आप इसका हमें अप्रूवल दे दो, तो हम इस वैकेंसी को क्या कर पाए, वैकेंसी क्या बोले, नए पद को हम सृजित कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है। मैं यहां पे एक बात जोड़ूंगा कि अगर ये पद सैंक्शन हो जाते हैं, अगर ये पद यहां से अप्रूवल मिल जाता है, तो नो डाउट 1303 नए पद देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा, आरओ और एआरओ का होगा, और ये लगभग 900 पदों का, लगभग 942 पदों का जो फायदा हो रहा है वो आपका आरओ एआरओ का होगा। और ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि अगर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई ये कहे कि नहीं अभी अगले महीने में हो जाएगा, कल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज समझो बेटा कि ये जब पिछले 10 महीने से लगातार एक नहीं इस पे कई सारे पत्राचार दिए गए हैं, कई सारे इस पे क्या हुए हैं, कई सारे इस पे लेटर लिखे गए हैं, और अब ये लेटर इसलिए लिखा गया है, ये लेटर के आप ये क्योंकि वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस लेटर को किसके सामने रखा जाए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, इसे आप पूरा पढ़ोगे। इट इज वेरी सॉरी टू से दैट आफ्टर सेंडिंग द लेटर्स एंड रिमाइंडर्स बाय द ऑनरेबल हाईकोर्ट, बट स्टिल द रिकमेंडेशन फॉर फाइनेंशियल अप्रूवल ऑफ द गवर्नर स्टिल awaited after a lapse of more than 10 month, मतलब कि 10 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इसलिए बोला जा रहा है कि इस चीज को किसके सामने रखा जाए, सामने रखा जाए चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ये इंप्लॉइज का, ऑब्जर्वर का सुनते हैं, तो उसके परिपेक्ष में ये अपनी बातें कहां पे जो गवर्नर या उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके सामने क्या कर पाएंगे, उनके सामने यहां पे चीफ जस्टिस के पावर से पहुंच पाएगी और इसे अपनी बात मनवा पाएंगे, ये लेटर इसके बारे में कहा गया। इस लेटर में ये बोला गया है कि इस पद को हम सैंक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कार्यभार है, बहुत काम है, बहुत लोड है, और ये सही रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। एक बात तो क्लियर है बेटा, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। ये इस अगर लेटर में ये बात लिखी गई है कि हां भाई कि काम जो अभी वर्किंग ऑफिसर्स हैं, मैं चाहे रिव्यू ऑफिसर की बात करूं चाहे एआरओ की बात करूं, यकीन मानिए उनके ऊपर लोड बहुत है। एक ही व्यक्ति को जुडिशरी भी दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी दिया जा रहा है, उसको मतलब कि सारे फिर वो आंसरेबल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी सारे जो बोल सकते हो कि आदेश बनवाना है, नोटिस बनवाना है, तमाम काम एक व्यक्ति, एक एआरओ कम से कम 5 तरीके का काम क्या कर रहा है, 5 तरीके का काम संभाल रहा है, और ये क्यों हो रहा है, ये कम एम्प्लॉय के चलते हो रहा है, जिसके कारण वो लोग ओवरबर्डन हो रहे हैं, ओवरबर्डन होने की वजह से सही तरीके से काम भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सोचना इनका बहुत बेहतर है, मैं इस चीज के फेवर में हूं, और अगर ऐसा हो जाए तो वाकई बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये हो गया, ये हो गया है, ये अगले बार वैकेंसी आ जाएगी, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने वाला हूं कि आप थोड़ा सा समझो यार, ये नए पद सृजित हो गए तो क्या सारी सीधी भर्ती से आ जाएगी, क्या सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएंगे? अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सारे नहीं होंगे, जो नीचे के पद होते हैं वो सारे पद क्या होंगे, प्रमोट होके, इसमें कम से कम बहुत सारे पद क्या होंगे, प्रमोशन से आएंगे। हाँ एक बात सत्य है कि अभी अप्रैल मई में एक बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोशन होने वाला है। वैसे अलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की बात कर दूं तो इसमें 2 से 3 साल में क्या होता है, प्रमोशन हो जाता है, जनरली 1.5 से 2 साल में हो जाता है प्रमोशन, बट इनके नियम थोड़े से अलग होते हैं। बट क्या है कि इस बार जो 2021 वाला बैच था वो अभी तक प्रमोट नहीं हो पाया है, तो जैसे प्रमोशन होगा तो नीचे के पद क्या होंगे, नीचे के पद जैसे एआरओ आरओ बनेगा तो बहुत सारी संख्या में एआरओ के पद वहां पे क्या होंगे, खाली होंगे। ऐसे ही आरओ के ऊपर आरओ प्रमोट होकर कहीं और जाएगा तो वहां पे क्या होंगे, आरओ के पद खाली होंगे। तो ओवरऑल समग्र रूप से मिला लिया जाए तो एक बार देखने को समझ में आता है कि हां वैकेंसीज ठीक ठाक आ रही है, बट कितनी आ रही है, और एग्जैक्टली मैं बोलूं 1500 पद आ रहे हैं तो 1500 कहना एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, आपको बहकाने वाली बात हो जाएगी, आप भी उतने गलतफहमी मत रहो, क्योंकि क्या होता है बच्चा सोचता है कि बहुत ज्यादा पद आ रहे हैं तो हम थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। मेरा कहना है कि आपको सही इंफॉर्मेशन रहे ताकि आप मेहनत भी सही इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर पाओ। अब मैं सारी एक एक चीज इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि जैसे मैंने ये आपको दिखाई दिया कि आपने एक साथ 2017 वाला सॉरी अगर यहाँ पे देखोगे तो एक साथ 2023 में ये आपके क्या थे, ये आपके वैकेंट थे, इसमें भी जो वैकेंट पद हैं इस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आपके डायरेक्ट भर्ती से थोड़ी आ जाएंगे, इसमें कुछ प्रमोशन से भी पूरे होंगे। तो 411 में यहाँ पे मिला लूं और अगर मैं यहाँ पे 942 उधर मिला लूं, कुल जो आपके पद हो रहे हैं, मतलब कुल पदों की बात करूं लगभग 1400 बात कर लो, टोटल 1400 या 1300 बात कर लो, तो इतने 1350 बात कर लो, 1350 पद में सारे आपके सीधी भर्ती से नहीं आएंगे, अधिकतर जो पद होंगे वो आपके किससे भरे जाएंगे, प्रमोशन से भरे जाएंगे। लेकिन एक बात जो सत्य है वो ये है
कि वैकेंसीज आर ओ ए आर ओ की एएससी की तरफ से आ रही हैं। कब आ रही हैं? अभी मैं तो बोलूंगा अप्रैल में बिल्कुल नहीं आ रही है, मई में भी बिल्कुल नहीं आ रही है, और जून में भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जून के बाद कब आती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अंदर की बात में अभी भी नए विज्ञप्ति एनटीए को ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप यहाँ पे ना ही कोई बोल सकते हो कि वहां पे अधियाचित पद एनटीए को दिया गया कि इतने पद हमारे वैकेंट हैं, इस पे वैकेंसी करानी है। एनटीए के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन एनटीए को दिया गया है जो मेरी जानकारी तक है। जो छोटे मोटे एग्जाम हो रहे हैं, जैसे पीएस का भी एग्जाम हो रहा है ना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम पद, मतलब 80-85 पद पे हो रहा है पीएस पे भी, तो वो आपका अप्रैल वगैरह में आपका हो सकता है कि वहां एनटीए तक जो सूचना है वो पीएस के पद का है, वो भी एपीएस नहीं, पीएस पर्सनल सेक्रेटरी की बात कर लो, उन पदों का एग्जाम हो रहा है, आरओ यारो की बात नहीं हो रही है। बट फिर भी मैं इस बात को नहीं बोलूंगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। कब आएगी ये बात मैं आपको जल्दी ही सूचना दूंगा। अब अगर वैकेंसी आती है तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस कैडर में कितने आपके सीट वैकेंट है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतने पद आने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग मेन चर्चा करते हैं, मेन थोड़ा सा मैं 2 मिनट में आपको सारी चीज समझा दूं कि इसमें क्या कौन से बच्चे अगर आप तैयारी करते हो तो क्या एग्जैक्टली अभी से तैयारी करना चाहिए, क्या किसी के कोर्स से जुड़ना चाहिए, या फिर आप क्या करो, या फिर आप सेल्फ स्टडी करो। तो मैं अभी आपको ये बोलूंगा कि आरओ एआरओ जो एएससी की तरफ से है उसकी परीक्षा नॉन निगेटिव मार्किंग में 200 क्वेश्चन पे होती है, 200 नंबर की होती है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो समय आपके पास काफी मिलता है, और जो आपका इसका पैटर्न है वो बिल्कुल मैक्सिमम जीएस, बट केवल जीएस भी नहीं है, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब पूछा जाता है। तो एक बहुत मिक्स, बहुत बेहतरीन इसका सिलेबस है कि वनडे वाला बच्चा भी और सिविल वाले बच्चे दोनों विन विन के सिचुएशन में रहे, दोनों लोग एक मोटिवेशन लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो सिविल सेवा क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, जैसे पीसीएस की या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए यूपीएससी की तरफ से, तो उसके लिए भी, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनसंख्या नगरीकरण, इन सारे चैप्टर जो हैं वो मदद करेंगे। अगर कोई वनडे वाला बच्चा है तो उसे कंप्यूटर हो गया, उसे रीजनिंग हो गया, उसे इंग्लिश हो गया, उसे हिंदी हो गया, ये पार्ट उसे क्या करेंगे, उसे करंट अफेयर्स हो गया, उसे मजबूत करेंगे, और दोनों ही विन विन सिचुएशन में रहेंगे। मैं एक एक चीज आपको बताता हूं कि कैसे आपको रिव्यू ऑफिसर का देखा जाए। ये 46 पद छोड़ो, ये पिछली बार का पद है, इस पर आप मत जाओ। अभी मैंने ये वीडियो बिल्कुल मेरा बनाने का मूड नहीं था, बस वीडियो मुझे मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि लगातार, मतलब जिधर देखो हर चैनल वाला बवाल काटे हुए है, हर चैनल वाला बकैती कर रहा है, आरओ यारो परीक्षा के लेगी, आई ओ आई इतने पद है, उतने पद है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस जो तभी मुझे बनाना पड़ा कि बच्चों को, और मैं सबसे ज्यादा परेशान तब हो गया जब एक कुछ ऐसे चैनल जिनपे, जिन्हें आप भगवान मानते हो, सही बता रहा हूं मैं, पता नहीं कि आप लोग क्या करते हो, भगवान बना देते हो आप लोग, और वो इतनी गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि भाई लेवल 8 में जो 7th पी कमीशन है इसमें 90,000 प्लस सैलरी बनेगी। अरे भाई 2021 का सिलेक्टेड बंदा, ये देखो सैलरी स्लिप आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। हाईकोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, स्क्रीनशॉट लिया गया है, वेब जनरेटेड पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, बिल्कुल रिसेंट जनवरी 2024 का पे स्लिप दिए हैं। ये एआरओ के लिए है, बेसिक 46,200 है, और आप ये देखो कि टोटल लास्ट में कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, ये ग्रॉस अर्निंग 74,000 है, लेकिन इसमें आ कितना रहा है, इसमें शायद आया नहीं क्या, हाँ यहां पे शायद इसमें डिटेल दिख नहीं रहा है, बट जो इसके इन हैंड आ रहा है, इन हैंड आपको मैं बता दूं 57,000 के आसपास आ रहा है इन हैंड। हालांकि इस बच्चे का डबल एनपीएस कट रहा है, इस कारण से इतना आ रहा है, बट ये मान के चलो कि 62,000 रुपए एआरओ का आ रहा है, और इसमें 3-4 हजार और बढ़ा दो, ये 46% आपका किस पे था, जब 46% आपका डीए था, अभी तो 50% हो गया, तो 1-2 हजार रुपए और बढ़ा लीजिएगा, मान के चलिए 65,000 रुपए के आसपास आपका किसका बनेगा, आपका आरओ का बनेगा, 90,000 भैया नहीं बनेगा। ये किस बिहार पे बोला गया है मुझे खुद नहीं पता है, इस चीज को आप यहां पे देख सकते हो, ये शायद इमेज लगाने में थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो क्रॉप नहीं हो पाया, तो यहां पे आप देखोगे ये 46,200 है, 46% यहां पे डीए लगा हुआ है, 21,252, उसके बाद प्राइम, ये सब भी तो कट रहे हैं कटौती होने के बाद, ग्रॉस तो ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन कटौती के बाद अगर देखोगे तो वहां पे बहुत इनहैंड जो आ रही है वो 57-58 हजार, या मुश्किल 60,000 आपकी, अभी जो डीए 50% हो गया है, इसमें यूपी गवर्नमेंट वाला ही डीए लगता है, 50% अगर आप लगा दोगे तो लगभग आप मान के चलो कि मोटा मोटा 60,000 आपका किसका, एआरओ का बन रहा है, और लगभग 65-66 हजार आपका आरओ का बन रहा है, ये सैलरी आपकी कटने पिटने के बाद इनहैंड आएगी। ग्रॉस में अगर देखा जाए तो 74-75 हजार आपकी किसकी बनेगी, एआरओ की बनेगी, और लगभग आपकी 80-81 हजार किसकी बनेगी, वो आपकी
आर ओ की बनेगी ग्रॉस में, लेकिन कटने पिटने के बाद इतनी नहीं होती, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो ये आपकी सैलरी रही। आगे मैं कहता हूं क्योंकि सैलरी आपके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी, कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो बेटा रिव्यू ऑफिसर के लिए अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हो तो आप एलिजिबल हो, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए और साथ में या तो ओ लेवल हो, या तो आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, या फिर कंप्यूटर से कोई डिग्री या डिप्लोमा हो। जैसे कोई बीसीए वाला बच्चा है तो भी कर सकता है, कोई एडीसीए वगैरह पीजीडीसी किया है तो वो भी क्या कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी वगैरह सब कुछ भी है। ये सब कुछ क्या है, सब कुछ सबको एलिजिबल है। तो आपका ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन के साथ ये हो, या फिर आपका कोई क्या हो, डिग्री डिप्लोमा हो, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो तो इसके साथ यहां पे ये नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आपको ये ओ लेवल या ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप जनरल ग्रेजुएशन हो तब आपको ओ लेवल या ट्रिपल सी की जरूरत है, और उसके बाद आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग इसमें इंग्लिश की, केवल इंग्लिश की मांगता है, वो भी 25 वर्ड, जो बहुत आसान होता है। टाइपिंग में इसमें निगेटिव होता है और बच्चे जनरली 50 में 45 से 47 के बीच में अक्सर नंबर उठाते हैं, जो जनरल नंबर इसका टाइपिंग का आता है, और उसमें थोड़ा सा लगभग 10 नंबर पे एक नंबर माइनस भी करता है, ठीक है। बाकी टाइपिंग केवल इंग्लिश में होती है तो आसान होती है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, इसमें हिंदी में नहीं पूछता। ऐसे एआरओ का ये पद मत देखो, ये पिछले बात की है, ये मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी स्लिप आपको एआरओ को दिखाई दिया, इसमें भी एलिजिबिलिटी जैसे आरओ की है सिमिलरली एआरओ की है। ये आपका रिजर्वेशन है, सबसे अच्छी बात, महिलाओं की इसमें बहुत चांदी है, क्योंकि 20% इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है। कुछ चीजें मैं जल्दी-जल्दी आपको और बता दूं, ये आपको मैं पे स्लिप आपको दिखाई दिया। अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो 21 से लेकर 35 दोनों आरओ एआरओ दोनों के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 मांगता है। अगर आप देखो तो ये 200 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है, निगेटिव नहीं होती है, 3 घंटे का होता है, और निगेटिव ना होने के कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि सर लोग बताते हैं कि इसमें धांधली बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वाकई में धांधली होती है, फिर इसकी तैयारी करने की क्या जरूरत है। बेटा देखो एक बात मैं बोलूंगा कि बहुत क्लियर से, मैं इस मंच में बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, कि पहले के समय में हाईकोर्ट की वैकेंसियां वाकई में बिक जाती थी, जो मतलब कि जो नेताएं होते थे वो अपने ही रिलेटिव्स को क्या करते थे, सीधा उठा के पे लगा देते थे। आज के समय में कितना है, किस प्रकार से पैसा चल रहा है, मुझे उसके बारे में ज्यादा मुझे ना पता, नहीं मैं इस बारे में बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि हमारे पिछले बैच के पढ़ाए हुए कम से कम 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इलाहाबाद और लखनऊ के दोनों पेट में क्या कर रहे हैं, आरओ और एआरओ बन के बैठे हुए हैं। आपको मैं बहुत जल्द उन सबको बुला के इंटरव्यू भी करवा दूंगा, ताकि आपको यह ना लगे कि हां सारे पद धांधली से ही होते हैं और सारे पद वहां पे क्या होते हैं, कोई भी सीधी भर्ती से नहीं जाता। कहने वाली बात, कहने वाले देखो, बच्चा जब सेलेक्ट नहीं होता तो कई बार अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, वो यही बोलता है कि भाई सामने वाली गलती थी, पेपर आउट हो गया, कट ऑफ। अरे भाई नॉन निगेटिव होगा, कट ऑफ आई जाएगा, तैयारी करने वाले बच्चों की कमी थोड़ी है, लेकिन आप थोड़ा अपने अंदर भी देखो। बट मैं इसको भी नहीं बोलूंगा, मैं ना हां या ना दोनों तरफ में कुछ पक्ष में नहीं हूं, मैं बस इतना बोलूंगा कि मैं जो तैयारी करवाया हूं बच्चे, और कोई बिल्कुल मतलब सीधे तरीके से, ऐसा नहीं कि वो बच्चे पैसे दिए, उनके मार्क्स और उनको मैं टेस्ट सीरीज में भी कितने मार्क्स आते थे मैं दिखाऊंगा, ऐसे बच्चे जो 90% 85% स्कोर करते थे उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो फेयर सिलेक्शन होता है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा और उन बच्चों से इंटरव्यू भी करवा दूंगा। बाकी 20 मिनट की टाइपिंग होगी, 20 मिनट में लगभग आपको 550 से 600 वर्ड दिया जाएगा, 50 नंबर का होगा, प्रत्येक 10 नंबर पे एक नंबर की गलती होगी, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे होती है। यहां पे इसने लिखा है कि ध्यान देना, पार्ट टू मतलब जो कंप्यूटर टाइपिंग है उसमें नो निगेटिव मार्किंग है, जबकि ये गलत लिख दिया था पिछले इंटरव्यू में, पिछले नोटिफिकेशन में। निगेटिव मार्किंग होती है 10 नंबर पे 10 क्वेश्चन, अगर 10 वर्ड गलत टाइप करोगे तो एक नंबर आपका माइनस होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका सिलेबस ये है, सिलेबस में साइंस है, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी इकोनॉमिक कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स है, पॉपुलेशन जनसंख्या नगरीकरण इकोलॉजी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्योग्राफी रिसोर्स ऑफ इंडिया है, करंट है, उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पे आ जाता है, जनरल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन ये आपका यूपी स्पेशल है, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है और हिंदी है, और उसके बाद कंप्यूटर है, तो आपको लगभग सारी चीजें पूछता है। और दूसरा आपका टाइपिंग है, किस यही सेम आपका आरओ का है, सेम एआरओ का है, लेकिन आरओ और एआरओ के पेपर अलग अलग होते हैं, दोनों के कॉमन पेपर नहीं होते, इस बात को दिमाग दीजिएगा। यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस उठाओगे तो लगभग सिलेबस आपको यही मिलेगा, कुछ टॉपिक इसमें बस अलग हैं, लेकिन वहां पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों आरओ एआरओ दोनों के पेपर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहां पे आरओ एआरओ दोनों के पेपर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, लगभग लेवल भी सेम है, लेकिन परीक्षाएं अलग अलग होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये पिछले बार का पैटर्न था लगभग सारे, क्योंकि एनटीए जब से करवा रहा है, पहले इसका पैटर्न बिल्कुल अलग था जब 2019-19 में होता था, 18-19 में, लेकिन 2021 में जब से एनटीए कराया था सारे पार्ट को लगभग बराबर किया था, बट फिर भी इसमें कुछ पार्ट जैसे कंप्यूटर को देखोगे तो 22 से 25 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया, करंट यहां पे अगर रीजनिंग और
मैथ्स को देखोगे तो 22 से 25 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड से पूछा गया था, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था। तो कंप्यूटर रीजनिंग के वेटेज ज्यादा रहते हैं। ऐसे ज्योग्राफी का वेटेज पिछली बार क्या था, लगभग 18 क्वेश्चन का ज्यादा था। ऐसे पॉलिटी इकोनॉमिक कल्चर सब मिक्स कर दिया गया था तो 18 क्वेश्चन ज्यादा था। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 14-14 नंबर पूछे गए थे। इस प्रकार से टोटल जो आपका वेटेज था वो टोटल वेटेज आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 3 घंटे का था। और बच्चे 185-187 नंबर भी लाए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चा 200 में 200 करके आता है, पर्याप्त समय यहां पे मिलता है, ठीक है। बाकी यहां पे देखो एक चीज यहां पे बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्या होता है कि टाई ब्रेकिंग रूल लगता है, मतलब कि जो पेपर आता है वो सेक्शन वाइज आता है। लगभग 8 से 9 सेक्शन में आपको ऐसे सेक्शन बटे रहेंगे, पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, दूसरा सेक्शन ऐसे आपका इंग्लिश और हिंदी का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सेक्शन होता है। सेक्शन इस प्रकार से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल लगता है। टाई ब्रेकिंग रूल में मतलब ये कि अगर कोई दो बच्चे के नंबर ज्यादा है तो जिसके एप्टीट्यूड में नंबर ज्यादा रहेंगे उसका क्या होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर इन दोनों में भी बराबर होते हैं तो जिसका कंप्यूटर में ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर इन तीनों में बराबर होते हैं, जिसका इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सब में होते हैं तो इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी और कल्चर में जिसका ज्यादा होता है उसको दी जाएगी, और सब में फिर होता है तो जिसकी एज होगी उसको ज्यादा दी जाएगी। तो इस हिसाब से क्या होता है, टाई ब्रेकिंग रूल लगता है, मतलब कि दो लोग अगर बराबर नंबर पाते हैं तो बराबर नंबर के केस में इस बिहा पे उन्हें फिल्टर किया जाता है। इसलिए सेक्शन वाइज, ये सेक्शन वाइज आता है, और पहला ही सेक्शन आपका किसका होता है, पहला ही सेक्शन आपका रीजनिंग मैथ का होता है, फिर कंप्यूटर का होता है, फिर इंग्लिश हिंदी का होता है। इस प्रकार से आपका सेक्शन होता है, और सेक्शन वाइज आपका ये क्या होता है, एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे चुका हूं जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि क्या ये वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, ना ही अंदर कोई ऐसी बात चल रही है, ना ही एनटीए तक ऐसी कोई बात पहुंची है। लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसकी वैकेंसी आएगी, देर आएगी, दुरुस्त आएगी। आप अपनी तैयारी करते रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे कोर्स खरीद लो, जिन बच्चों को लेना था वो पिछले कोर्स से बहुत पहले से चल रहा है, उसी फाउंडेशन SCERO से जुड़े, आपको भी जुड़ना होगा तो उससे जुड़ जाएगा। ना मैं अभी कोई नया बैच निकाल रहा हूं, ना मैं उसके फेवर में हूं, और ना मैं आपको बहकाने का प्रयास कर रहा हूं। हां, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ो मत, आप NCERT GS पूरी NCERT कवर कर लो, मैथ्स रीजनिंग आप रीजनिंग वाला पार्ट और कंप्यूटर वाला पार्ट और यूपी कंप्यूटर और रीजनिंग ये अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे अधीनस्थ में भी पेपर आपके लगे होंगे, बहुत सारे यूपी के संबंधित जैसे UPSI ASI का पेपर दे रहे हो वहां भी कंप्यूटर हिंदी और आपका रीजनिंग ये सब पूछ ही रहा है। तो एक जो कॉमन पार्ट आप तैयारी कर रहे हो वो चीज आप कवर कर लो, GS आप NCERT से पढ़ लो, या आप ना कुछ कर पाओ तो लूसेंट उठा के अच्छे से पढ़ लो इन खाली समय में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, इतनी तैयारी कर लो ताकि ऐसा ना रहे कि आप बच्चों से बहुत पीछे हो जाओ। बाकी जो जुड़ना चाहते हैं वो तो पुराना चल रहा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, आप अपनी तैयारी जारी रखो, मैं इस बात को कहूंगा। बाकी चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि जो गलत गलत जानकारी चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी सही सूचना मिल जाए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का, आभार।